तो आज सभी का आज रॉयल रजवाड़ी सपा हाउस में स्वागत है। आज मैं सिखाने जाऊंगा आपको जोधपुरी सपा किस तरह से बांधा जाता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक 9 मीटर सपा लेना है जो बहुत लंबाई 9 मीटर होनी चाहिए। वैसे आपके घर के अंदर कोई भी सपा पड़ा हो 9 मीटर का सपा होना चाहिए, उसको आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस साफे को अपने को इस तरह से रखना है और इतना भाग छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में ये वाला हिस्सा अपने मुंह के अंदर ऐसे डुबाने रखना है। फिर डुबाने के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको ऐसे ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आप ट्राई करना। ये एक आटा हो गया, यहाँ से ऐसे राउंड करके चले जाना चाहिए। फिर दूसरा पट्टा अपने ऐसे के इसके ऊपर के ऊपर ऐसा आना चाहिए कि वापस ऐसे आके दे दिए। ठीक है, और तीसरा पट्टा अपने को क्या करना है, इसके ऊपर ऊपर ही थोड़े से नीचे से आने चाहिए इस तरह से। यहाँ से एक और हो गया। फिर चौथा पट्टा अपने को थोड़ा सा एकदम बड़ा लेना है, जिससे क्या है सारे जो अभी सही पट्टे नहीं बन रहे ना, ये सही हो जाएंगे। फिर इससे पट्टे बनाने के लिए हमको सांपे को पूरा ऐसे खोल देना चाहिए। उसके बाद में रुमाल कैसे समेटते हम अपने कोविड के अंदर, उसी तरह से इस साफे को इस तरह से समेटते हैं। समेटने के बाद में देखिए ये जो भाग है ना, इसको यहाँ से खींच लेना। उसके बाद में टाइट पकड़ के यहाँ से और इस हाथ को टाइट एकदम इस तरह से एक तरह से खींचते, फिर वापस यहाँ से आके इस तरह से जैसे राउंड राउंड हो रहे ना, इस तरह से आपको नहीं लेना। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि फिर उसके बाद में क्या करना है। उसके बाद में फिर वापस पट्टे बना लें। पट्टा बनाने के लिए बाद जैसे पट्टा बन गया मेरा, वापस इसके नीचे से गिरता है, इसके नीचे से अपने को दूसरा भाग लेना है। ये ले लिया, फिर वापस आके कम से कम ये अपने स्टेट 4-5 बार आप करोगे ना, तब आपके सांपा पूरा परफेक्ट बन जाएगा। मैं और भी पट्टे बना रहा हूँ, आप भी इसी तरह से बनाते रहिए। ये तीसरा पट्टा अपने को हो गया। तीसरा पट्टा होने के पहले सांपे को थोड़ा उठाना है इस तरह से, इसको दबा देना है, इस तरह से उठाना है पीछे से, फिर ऊपर से इस तरह से दबा देना। फिर वापस अपने प्रोसेस सीखा, ये चौथा पट्टा हो गया। चौथा पट्टा होने के बाद में बड़ा पट्टा लेना है इस तरह से, फिर वापस आटे दे दिए। अभी अब ये पांचवा पट्टा हो गया। पट्टे इस तरह से बनाने हैं एकदम जिसमें सलवेटर ना पड़े हो, ताकि क्या आपकी फिनिशिंग आएगी और फिनिशिंग से सांपा सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये पांचवा पट्टा हो गया। अब अपने को क्या करना है, लास्ट स्टेप रहा अपनी गांठ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे से गांठ एकदम सही से नहीं बांधते। अब मैं बता रहा हूँ कि गांठ कैसे लगाते हैं। सबसे पहले अपने पीछे कर दिया इस तरह से, ये वाला भाग को इस अंगूठे के अंदर लेना है। जैसे देखो मैंने ले लिया ना इसके अंदर, फिर टाइट ऐसे खींच कर फिर इस तरह से बांध कर फिर यहाँ से आटों के बीच में डालना है इस तरह से। अब हो गया अपना जोधपुरी सांपा तैयार। अगर आपको सांपा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद सर।